नमस्कार, मैं हूं रंगीला 2.0 का बाद में। आप देख रहे हैं G2.0 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज हम कल्याणपुर रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर एक घटना हुआ है, मुजफ्फरपुर भागलपुर इंटरसिटी जनसेवा एक्सप्रेस से। क्योंकि हमारे संवाददाता और कई अन्य सूत्रों के हवाले से जानकारी मिला है कि बरियारपुर बस्ती का शंकर मास्टर है। ये शंकर मास्टर आखिरी सांस में बरियारपुर का नाम लिया है और आधा मोबाइल नंबर बताया है। हालांकि इसके मोबाइल में फोन भी आ रहा है, हल्का हल्का आवाज भी आ रहा है और चश्मा भी पहना है। इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि इस परिवार तक पहुंच जाए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए इतना कि इन परिवार तक पहुंच जाए। उम्मीद लगता है कि ये कल्याणपुर बंगाली टोला झरकावा सरस्वती नगर का नहीं है, ये दूर का है। अगर आसपास एरिया का रहता तो ये बोडी चला जाता है। यह व्यक्ति कटने के तुरंत बाद बताया बरियारपुर और अपना मोबाइल नंबर आधा, ना कि पूरा। हालांकि यहां के स्थानीय व्यक्ति बुजुर्गों से बातचीत करने के मुताबिक से जानकारी मिल रहा है कि सुबह 5 बजे ये घटना हुआ है। इस वीडियो को इतना शेयर करिए इतना कि इन परिवार तक पहुंच जाए। उम्मीद लगता है कि ये कल्याणपुर बंगाली टोला झरकावा सरस्वती नगर का नहीं है, ये दूर का है। अगर आसपास एरिया का रहता तो ये बोडी चला जाता है। आज हम कल्याणपुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। जमालपुर भागलपुर रेलखंड के बीच एक घटना हुआ है। आज सुबह सुबह इंटरसिटी एक्सप्रेस से कटा है। यह व्यक्ति कहाँ की है नहीं है किसी को पता नहीं। यह व्यक्ति आखिरी सांस में अपना आधा मोबाइल नंबर बताया और बरियारपुर बताया। यह वीडियो इतना शेयर करिए आप लोग की ताकि इन परिवार तक पहुंच जाए। ना जाने ये कहां से कहां सफर करता होगा, मुझे ये सारी चीज बात जानकारी नहीं है। हालांकि मुजफ्फरपुर इंटरसिटी यहां पर रुकती है, पर ये कटा कैसे नहीं, चढ़ने वक्त कटा होगा या तो जल्दीबाजी में उतरने के चक्कर में कटा होगा।